दोस्तों ये मशीन जो है ये अभी समस्तीपुर के लिए जा रही है, ये कृष्णा इंटरप्राइजेज का ये जो है यहाँ स्टॉक है और डेमो सेशन है। उधर पेपर प्लेट का डेमो सेशन, आटा चक्की का डेमो सेशन, जो लोग इस मशीन को ले जा रहे हैं वो ऑलरेडी इस तरीके का पहले भी मशीन ले जा चुके हैं यहाँ से, और इसका जो है अभी स्टॉक है। साथ ही साथ 3 HP का भी जो है ये दोनों पैक हो चुका है आटा चक्की, ये एक जा रहा है बक्सर और एक जा रहा है भागलपुर। और अभी जो है अभी इसमें ब्लैक पैंथर का 3 HP का मोटर जो है लगाया गया। जैसा कि आप लोग जानते हैं ये 5 HP का डबल चैम्बर पल्वलाइजर है, इस पे आप 3 HP का भी लगा सकते हैं, 5 HP का भी लगा सकते हैं और इस जगह गेहूं डाल सकते हैं। और यहाँ जो ये रखा हुआ है ये मसाला के लिए है, जैसे इसके आगे इस टाइप का रहता है तो यहाँ उसका डोंगा लगा के और मसाला का पिसाई कर सकते हैं। तो ये मशीन अभी मैं दिखा रहा हूँ, इसका चैम्बर क्वालिटी देख सकते हैं कितना हेवी टाइप का इसमें चैम्बर का क्वालिटी है और ये डबल चैम्बर है, साथ ही बेस्ट क्वालिटी का इसमें जाली है। आपको 6 जाली के साथ ये मशीन जो है आपको मिल जाएगा। इसका बड़ा मॉडल की बात की जाए तो ये जो है ये 10 HP में जो है ये मोटर, इसमें आप 10 से 15 HP का इस जगह मोटर लगा करके और घंटे का 100 kg पिसाई कर सकते हैं। इसमें लोग कहते हैं 60 किलो 70 किलो, तो वो नहीं है, सच्चाई ये है कि इसमें 3 HP के मोटर में 35 किलो और 5 HP के मोटर में 45 से 50 किलो का आपको पिसाई करके देगा। तो ये देख सकते हैं, और इसमें अभी फ़िलहाल जो है 3 HP का जो है मोटर दिया गया है और डबल बेल्ट में इसमें दिया गया है साथ ही। और ग्रीसिंग करने के लिए अगर आप लोगों को नहीं मालूम है कि कहाँ से होता है तो इसमें मैं डायरेक्शन बता दूँ कि इस तरीके का इसमें डायरेक्शन दे दिया जाता है जिससे आप लोगों को पता चल सके कि ग्रीसिंग कहाँ से करना है। साथ ही साथ इसमें 5 से 6 जाली के साथ ये मशीन आती है, साथ ही मसाला पीसने के लिए इसमें एक हॉपर दिया जाता है जिसको आप यहाँ पे आसानी से लगा करके और इसको जैसे इस तरीके से हटा करके और उस हॉपर को डाल के यहाँ जो है आप मसाला का या फिर वो ऐसा पदार्थ है जैसे जड़ी बूटी वगैरह जो भी आइटम है जो इधर से जो है ना जा पाए वैसा आइटम को पीसने के लिए क्या किया जाता है हमें उसका उपयोग किया जाता है। इसका जो है अगर बड़ा मॉडल आप लोगों को लेना है तो ये बड़ा मॉडल इस टाइप का आएगा, लेकिन इसमें एक बात है कि आपको इसके लिए 3 फेज बिजली की ज़रूरत पड़ेगी, सिंगल फेज से ये मशीन नहीं चलेगी। इसमें मोटर लगने की कैपेसिटी की बात की जाए तो मोटर इसमें जो है आपका 10 से 15 HP तक का इसमें मोटर लगा सकते हैं। साथ ही साथ अगर मसाला जड़ी बूटी वगैरह पीसना है तो इसके लिए इस टाइप का हॉपर इसमें भी दिया जाता है। अब मैं बात बताऊं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं हमें घर पे जो है हल्दी पीसना है या आटा पीसना है, यानी कि सीधा तौर पे बोलूँ घरेलू उपयोग के लिए, तो घरेलू उपयोग के लिए जो है इस टाइप का जो है देख सकते हैं SS बॉडी में चमचमाती ये 3 HP का जो है पल्वलाइजर है जिसमें मसाला आटा जो भी आइटम है वो सारा आइटम पीस सकते हैं। खास बात यह है कि ये डबल चैम्बर में आती है और मोटर इसमें आपको अलग से ख़रीदने की आवश्यकता नहीं पड़ती है क्योंकि कॉपर वाइंडिंग बेस्ट क्वालिटी का मोटर लग के ही आपको ये कंपनी से मिलती है। साथ ही इसमें और चीज़ मिलने की बात की जाए तो इसमें भी आपको 6 जाली मिल जाएगा, उसके बाद इसमें इस टाइप का कपड़ा मिल जाएगा, ब्रश मिल जाएगा और इसमें भी आपको जो है इस टाइप का जो है ये प्लग मिल जाएगा जिसे आप घर में फ्रिज चलाते होंगे, टीवी चलाते होंगे तो उससे भी ये चल जाएगा। इसके लिए खास बिजली की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसके लिए जो है आपको कम से कम जो है 250-300 mm का तार से जो है वायरिंग करना पड़ेगा, तब जो है ये मशीन का परिचालन आप सही रूप से कर पाइएगा। दोस्तों अब बारी आई प्राइस बताने की, इन सभी मशीनों का प्राइस क्या है। तो देखिए वीडियो में बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारे यहाँ तो ये है वो है बहुत सस्ता है, मार्केट से सबसे सस्ता में दे रहे हैं बना रहे हैं, लेकिन लोग क्वालिटी पे ध्यान नहीं देते। क्वालिटी पे ध्यान दीजिए कि आप क्या बना रहे हैं और वो मार्केट को क्या दे रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात होती है कि जो है क्वालिटी उसमें देखा जाता है, चैम्बर क्वालिटी हमारा सही रहना चाहिए, उसके बाद इसका हॉपर क्वालिटी सही रहना चाहिए, जाली क्वालिटी सही रहना चाहिए तो वो मिलता है। जैसे बहुत सारे डिफरेंट टाइप का जो होता है उसमें इस तरीके का फिनिशिंग आपको नहीं देखने को मिलेगा, इसमें इसलिए दिया जाता है कि हम
इसमें कोई चीज़ डाल के और इसको इस तरीके से बंद कर देंगे। जैसे घरेलू उपयोग है तो कोई बच्चा इसमें हाथ ना डाले, इसलिए फुल सेफ्टी के साथ ये मशीन बताया जाता है। साथ ही अगर इसका अनाज ख़त्म हो जाता है, यहाँ जैसे इसका अनाज ख़त्म हो गया तो अनाज जो है ये अलार्म के द्वारा अलर्ट कर देता है। तो इस तरीके का जो है फीचर इस मशीन में दिया जाता है। प्राइस की बात की जाए तो प्राइस में इस छोटे मशीन की बात की जाए तो ये आपको मोटर के साथ जो है ये 31,000 रुपये से लेकर के और 35,000 रुपये तक की इसका प्राइस जो है पड़ता है। अब इसका प्राइस की बात की जाए तो बिना मोटर का ये मशीन, बिना मोटर का आपको जो है ये 45,000 रुपये का आएगा, 40,000 से लेकर 45,000 के रेंज में आएगा। ये मशीन आपको बिना मोटर का 65,000 रुपये से लेकर के 75,000 रुपये के रेंज में आएगा। साथ ही साथ इस टाइप का जो भी मशीनें हैं ये सब आपको 35,000 रुपये से लेकर के 40,000 रुपये के रेंज में बिना मोटर का जो है आ जाएगा।